हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अ पोयम द रुक्स। रुक्स का मतलब क्या होता है? क्रो। रुक मतलब क्रो। हैव यू इवन सीन अ रुक? आप लोगों ने देखा है क्रो को, रुक को देखा है आपने कभी? रीड दिस पोयम बाय जेन यूफेमिया ब्राउनी हु डिस्क्राइब्स द एक्टिविटीज ऑफ रुक्स इन अ वेरी विविड मैनर। ये जो पोयम है ये किसने लिखी है? जेन यूफेमिया ब्राउनी ने। और इन्होंने क्या डिस्क्राइब किया है? रुक्स की एक्टिविटीज इन अ वेरी विविड मैनर। विविड मैनर मतलब आप जब ये पढ़ोगे ना पोयम, तो पोयम पढ़ते पढ़ते पूरा चित्र वो हमारे सामने आ जाता है, पूरा पिक्चर आ जाता है हमारे सामने। सो लेट्स सी। द रुक्स आर बिल्डिंग ऑन द ट्रीज, दे बिल्ड देयर एवरी स्प्रिंग। काउ काउ इज ऑल दे से, फॉर नन ऑफ देम कैन सिंग। दे वेर अप बिफोर द ब्रेक ऑफ डे एंड अप टिल लेट एट नाइट, फॉर दे मस्ट लेबर बिजीली एज लॉन्ग एज इट इज लाइट। यहाँ पे बताया है रुक्स के बारे में कि ये रुक्स क्या करते हैं। द रुक्स आर बिल्डिंग ऑन द ट्रीज, ट्रीज पर क्या बिल्ड करते हैं? बिल्डिंग बनाते हैं मतलब क्या करते हैं? दे आर बिल्डिंग मतलब बिल्ड बनाते हैं, बिल्ड करते हैं। द रुक्स बिल्ड नेस्ट ऑन द ट्रीज इन स्प्रिंग, दे बिल्ड देयर एवरी स्प्रिंग मतलब हर स्प्रिंग सीजन में वो लोग ट्रीज पर क्या करते हैं? अपना नेस्ट बनाते हैं। काव काव इज ऑल दे से, और वो क्या बोलते हैं? काव 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 काव। फॉर नन ऑफ देम कैन सिंग, उनमें से कोई भी गा नहीं सकता है। दे वर अप बिफोर द डे ऑफ ब्रेक। डे ऑफ ब्रेक मतलब क्या होता है? सनराइज मतलब वो कब जाग जाते हैं? जैसे ही सनराइज होता है वो वैसे ही जाग जाते हैं और तब से काम करने के लिए लग जाते हैं। दे वर अप बिफोर द ब्रेक ऑफ डे एंड अप टिल लेट एट नाइट, मतलब सुबह सुबह जल्दी जल्दी वो उठते हैं सनराइज़ होने के पहले ही, और क्या करते हैं? रात होने तक काम करते हैं। फॉर दे मस्ट लेबर बिजीली एज लॉन्ग एज इट इज़ लाइट। लेबर मतलब क्या होता है? वर्क हार्ड मतलब ये पूरा दिन भर क्या करते हैं? पूरा दिन भर अपना काम करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं और बिजी रहते हैं। एज लॉन्ग एज इट इज़ लाइट, कब तक? जब तक उजाला होता है। करेक्ट। अभी देखो उन लोगों को उनका काम करने के लिए क्या चाहिए होता है? उजाला। इसीलिए लाइट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि द रुक्स कैन ओनली बिल्ड देयर नेस्ट एज लॉन्ग एज इट इज़ लाइट एंड दे डोंट बी एबल टू डू सो इन द डार्क। इसलिए उनको लाइट नेसेसरी है, विदाउट लाइट वो अपना काम नहीं कर सकते। देन नेक्स्ट, एंड मेनी अ क्रूक्ड स्टिक दे ब्रिंग एंड मेनी अ स्लेंडर ट्विग and many a tuft of moss until their nests are round and big. Cow, cow, oh, what a noise they make in rainy weather. Good children always speak by turns, but rooks all talk together. यहाँ पर क्या बताया है? अभी ये लोग दिन भर काम करते हैं, तो क्या काम करते हैं? इनको क्या करना है? इनको अपना नेस्ट बनाना है। तो नेस्ट के लिए, नेस्ट बनाने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए वो सारी चीज़ें ये कलेक्ट करते हैं। सो लेट्स सी उनको क्या क्या चाहिए होता है। एंड मेनी क्रूक्ड स्टिक्स, क्रूक्ड मतलब क्या होता है? बेंड, कर्व। स्टिक्स छोटी छोटी लकड़ियाँ जो रहती है, जो बेंड रहती है, कर्व रहती है, वैसे वो लोग क्या करते हैं? कलेक्ट कर लेकर आते हैं। एंड मेनी अ स्लेंडर ट्विग, स्लेंडर मतलब थीन एंड स्मॉल, छोटी छोटी जो ब्रांचेस रहती है, जो थीन रहती है, स्मॉल रहती है, वैसे स्लेंडर ब्रांचेस लेकर आते हैं। एंड मेनी अ टफ्ट ऑफ मॉस, टफ्ट मतलब बंच, और मॉस क्या है? स्मॉल फ्लावरलेस प्लांट दैट ग्रो इन बंचेस इन डैम्प प्लेसेस। देखो अपनी जो कंपाउंड वॉल रहती है ना, जब जब बारिश होती है, बारिश की जब स्टार्टिंग होती है, तो आप देखना कंपाउंड के वॉल के ऊपर ना छोटे छोटे प्लांट्स निकल कर आते हैं, उनको फ्लावर्स नहीं आते, एकदम छोटे छोटे, ऐसा लगता है कि जैसे वहाँ पर किसी ने ऐसा गद्दा डाला है ग्रीन कलर का। हाँ, तो वो जो है ना उन्हें कहते हैं मॉस। तो वो क्या करते हैं? मॉस भी लेकर आते हैं, मतलब उनके उनका जो नेस्ट है ना उसके अंदर डालते हैं मॉस। अनटिल देयर नेस्ट आर राउंड एंड बिग, और ये सारी चीज़ें कब तक चलती रहती हैं? जब तक वो अपना नेस्ट नहीं बना लेते। लेकिन उनका नेस्ट कैसा रहता है? राउंड एंड बिग। उनको अपना नेस्ट बनाना होता है पूरा, तो तब तक ये अपना काम करते रहते हैं। काव काव, ओ व्हाट अ नॉइज़ दे मेक इन रेनी सीजन। क्या कहा है पोएट ने कि वो कैसे आवाज़ बनाते हैं? काव काव करके। बाप रे, कैसी आवाज़ है इन लोगों की! और ये लोग रेनी वेदर में, जब रेनी सीजन आता है, कब कितनी आवाज करते हैं? गुड चिल्ड्रन ऑलवेज स्पीक बाय टर्न्स बट रुक्स ऑल टॉक टुगेदर। क्या कहा है पोएट ने
कि उनका ये जो आवाज़ है वो तो अच्छा रहता नहीं ना, कि हम लोग भी इरिटेट हो जाते हैं, वो लोग बार बार काव 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 करते हैं, तो इसलिए उन्होंने वहाँ पे वैसा किया। ओ व्हाट अ नॉइस दे मेक इन रेनी वेदर, की कैसे आवाज़ करते हैं लोग। और देखो पोएट ने क्या कहा है कि गुड चिल्ड्रन कैसे रहते हैं, जो वन बाय वन बात करते हैं। जैसे आप लोग देखो क्लास में जब बात करते हो, मैडम ने कुछ पूछा तो सारे एक साथ अगर आप लोग जवाब दोगे तो क्या कहती है मैडम कि वन बाय वन बोलो जिसका टर्न है वैसे। तो गुड चिल्ड्रन ऑलवेज स्पीक बाय टर्न। लेकिन ये रुक्स हैं क्या गुड चिल्ड्रन? दे आर नॉट अ गुड चिल्ड्रन। वो क्या करते हैं? बट रुक्स ऑल टॉक टुगेदर, वो लोग सारे एकदम से ही बात करते हैं।